नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मोदी के दृष्टिकोण को अमेरिका ने मोदी सिद्धांत का दिया नाम। ओबामा प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में समाप्त हुई अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक करार देते हुए भारत अमेरिका संबंधों के उनके दृष्टिकोण को मोदी सिद्धांत का नाम दिया है और कहा है कि इस सिद्धांत ने इतिहास की हिचकिचाहट को दूर किया है और ये संबंध वैश्विक कल्याण के लिए काम कर रहा है। दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री निशा देसवाई बिस्वाल ने कहा कि इस सप्ताह की यात्रा और इससे पहले किए गए वर्षों के प्रयास से मेरे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में वो स्पष्ट एवं दमदार दृष्टिकोण आता है जिसे अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तैयार किया। निशा ने कहा कि इस दृष्टिकोण जिसे मैं मोदी सिद्धांत कहती हूँ, एक विदेश नीति तैयार की जिसने इतिहास की हिचकिचाहट को दूर किया और दोनों देशों एवं हमारे साझा हितों के बीच समानता को गले लगाया। पांच देशों की यात्रा कर स्वदेश लौटे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के बाद शुक्रवार को स्वदेश लौटे। उन्होंने इस यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की और वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। मोदी संबंधों को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको भी गए। वे अंतिम यात्रा के अंतिम पड़ाव मैक्सिको से शुक्रवार तड़के यहां लौटे। मोदी ने स्वदेश लौटने से पहले ट्वीट किया, शुक्रिया मैक्सिको। भारत मैक्सिको के बीच संबंधों के नए दौर की शुरुआत हुई है और इस संबंध से हमारे लोगों एवं पूरी दुनिया को लाभ होगा। अमेरिका ने कहा, पाक की जमीन पर न हो भारत पर हमलों की साजिश। अमेरिका ने पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत में हमले का षड्यंत्र रचने के लिए न हो। अमेरिका ने पाकिस्तान से ऐसे समय में बात कही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत के पड़ोस में आतंकवाद फल फूल रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि ये उन कदमों में से एक है जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि भारत के साथ उसके संबंधों में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इनमें पाकिस्तान द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में ये सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता शामिल है कि उसकी धरती का इस्तेमाल भारत में हमलों का षड्यंत्र रचने के लिए न हो और पाकिस्तान उन सभी आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए कदम उठाए जो इस समय उसकी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। काबुल में भारतीय महिला का अपहरण। अफगानिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्था आगा खान नेटवर्क में काम करने वाली एक भारतीय महिला जुदिथ डिसूजा का अज्ञात आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। अफगान मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार डिसूजा को गुरुवार रात अगवा किया गया है। अपहरणकर्ताओं के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि काबुल में भारतीय दूतावास वरिष्ठ अफगान अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है। 40 वर्षीय डिसूजा की जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कोलकाता में उनके परिवार से भी सतत संपर्क में बने हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू आश्रम कर्मी की हत्या। बांग्लादेश में शुक्रवार को हमलावरों ने सुबह के सैर पर निकले एक हिंदू आश्रम कर्मी की हत्या कर दी। बांग्लादेश के एएसपी सदर सर्कल सलीम खान ने बताया कि ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग परम तीर्थ हिमायतपुर धाम आश्रम के 60 वर्षीय नित्य रंजन पांडे पर कई हमलावरों ने हमला किया और उनकी गर्दन पर वार किए। खान ने बताया कि पबना के हिमायतपुर उप जिला स्थित आश्रम में पांडे पिछले 40 साल से स्वयं सेवक के तौर पर काम करते थे और जब वे नियमित सैर के लिए निकले थे उसी दौरान उन पर हमला किया गया। बहरहाल अब तक किसी ने इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।